नमस्कार दोस्तों, राजस्थान फूड चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय नाथ आज आपके लिए लेके आया हूँ मटन कोरमा। मटन कोरमा में जो सामान काम में आता है वो ये सब है। मीट 3 किलो, प्याज 600 ग्राम, हल्दी पाउडर 30 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम, गरम मसाला स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 50 ग्राम, अदरक का पेस्ट 150 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 150 ग्राम, देसी घी 600 ग्राम। हम देसी की जगह रिफाइंड ऑयल भी काम में ले सकते हैं। दही 600 ग्राम, तेज पत्ता 10 से 15, काली मिर्च 25 से 30, मोटे इलायची के डोडे 5, लौंग 15 से 20, धनिया बारीक कटा हुआ 1 कटोरी या स्वाद। सबसे पहले गैस पे एक भगोना गर्म करेंगे। इसमें सारा घी डाल लें और घी को गर्म होने दें। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी काम में ले सकते हैं। घी गर्म हो गया है, इसमें लौंग डाल देंगे और साथ में ही काली मिर्च डाल दें और इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट होने दें। लौंग काली मिर्च रोस्ट हो गए हैं, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि प्याज के अंदर जो पानी है वो जल्दी बाहर आ जाए। प्याज को लगातार चलाते रहें वरना ये कहीं से तो ब्राउन हो जाएंगे, कहीं से वाइट रह जाएंगे, आधे पकेंगे आधे नहीं पकेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम मीट डाल देंगे। सारा मीट इसमें डाल दें। सारा मीट डाल करके इसको प्याज के साथ मिक्स कर लें। कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और मीट के पानी में ही हम इसको पकाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि सभी पीस अच्छी तरह पक जाएं और ऊपर नीचे होते रहें। 15 से 20 मिनट इसको प्याज के साथ हमने भून लिया है। अब इसमें अदरक का पेस्ट मिला दें और लहसुन का पेस्ट मिला दें और साथ में ही नमक मिला दें। उनको अच्छे से मिक्स कर लें और पकने दें। जब तक लहसुन अदरक पकते हैं इनको बीच बीच में चलाते रहें वरना पतीले के पैंदे में लहसुन अदरक लग जाएंगे और हमारे मटन कोरमे का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको लगातार बीच बीच में चलाते रहें। थोड़ी देर लहसुन अदरक को पकने के बाद इसमें हल्दी मिला दें और इसको चलाते रहें। लहसुन अदरक पक गया है,
अब इसमें लाल मिर्च मिला लें, धनिया पाउडर डाल लें और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी मोटे इलायची में छील कर मिक्स कर दें। सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। इन सभी को मिलाकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और मसाले को पकने दें। बीच बीच में इसको हिलाते रहें। 2-3 मिनट बाद मिर्च, धनिया पाउडर पक गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इनको मीट के सही पीसों को पानी में डुबो के छोड़ दें। मीट को पकने में टाइम लगता है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको, आज मीट के पकने का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि मीट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा मीट लाएं। आप किसी छोटे साइज बकरे का मीट ले आए तो वो आधे पौन घंटे पक जाएगा, और थोड़े बड़े का ले आए हैवी बकरे का तो उसको पकाने के अंदर आपको 1.5-2 घंटे लगेंगे। हमें इसको बॉईल करते हुए अभी 30-35 मिनट हुए हैं और अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मीट तकरीबन पक चुका है, इसमें दही मिला लें। दही मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और दही को पकने दें। दही डालने के बाद इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहें, वरना दही नीचे लग जाएगा। मटन हमारा बनके तैयार है। इसमें गरम मसाला मिला लें बचा हुआ, और हरे धनिए से गार्निश कर लें, मिक्स कर लें। इसको एक बाउल में निकाल लें। दोस्तों हमारा मटन कोरमा बनके तैयार है। इसे अपने घर में बनाएं। बहुत स्वादिष्ट मटन कोरमा है। समय की परवाह ना करें। किसी भी बढ़िया स्वाद वाली चीज़ को बनाने के अंदर समय ज़रूर लगता है। अपने परिवार वालों को खिलाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक और शानदार मटन की रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करें राजस्थान फूड चैनल और अपने अनुभव शेयर करें हमारी वेबसाइट राजस्थान फूड चैनल .in। गुड बाय, थैंक यू।